नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गौरव पांडे और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। डालते नजर यूपी के भदोही जनपद की ओर। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जनपद भदोही के भाजपा नेता ने अपनी ताकत दिखाई है, जिससे इस मैदान में एक जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों में जुनून इस कदर था कि तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जयकारे के साथ उनके कदम तनिक भी नहीं रुक रहे थे। मुख्य अतिथि महोदय ने सभी कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने के बाद 12/12/2019 को राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के पश्चात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस कानून को लागू करने की तारीख 10 जनवरी 2020 तय की थी, जो अब पूरे देश में प्रभावी हो गया है। यह नागरिकता संशोधन 2019 से किसी भी भारत के नागरिक हो, चाहे जिस भी धर्म संप्रदाय पंच विचारधारा आदि का हो, उससे उसकी किसी भी प्रकार से कोई भी नागरिकता के संबंध में क्षति नहीं होती। यह अधिनियम सिर्फ नागरिकता देने के लिए बना है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। जो लोग भारत के नागरिक हैं वो भारत के नागरिक ही रहेंगे। आइए देखते हैं भदोही से संवाददाता विकास मिश्रा की खास रिपोर्ट। ये देशभक्तों की भावनाओं के साथ उमड़ा हुआ जन सैलाब था। यह कार्यक्रम भारतीय संविधान के प्रणेता माननीय मोदी जी ने संविधान में मत्था टेक कर अपनी दूसरी पाली का शपथ लिया था, उसी समय यह भाव प्रकट हो गया था कि ये भारत का अजय योद्धा वो संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के तहत जिन जिन शहीदों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, वो देश बटने के आधार पर जहां जहां शरणार्थी की तरह हमारे देश में और उन देशों में, पड़ोसी देशों में दोयम दर्जे के नागरिकों में जो लोग थे, उनको अपनाने के लिए, इस राष्ट्र की मूल धारा से जोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण कानून पास हुआ है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यह कानून भारतवर्ष के लिए जो निर्मित किया गया है, ये उन शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक कहा जा रहा है और उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सांसद जी को बिल्कुल जानकारी है। वो भीड़ भाड़ से अपने आप को अलग करने के लिए आवश्यक फोन आ गया। मीडिया समक्ष उन्होंने कहा है कि इस पे मैं क्या बोलूं, इस पे क्या कहना चाहते हैं अध्यक्ष जी? उन्होंने जो बोला, आप जो बोल रहे हैं, उन सांसद की भावना इस कानून, वो तो सदन में है तो वो क्यों नहीं कानून जानेंगे? क्यों ऐसा बोला कि इस पे मैं क्या बोलूं? किसको? सांसद जी को आपत्ति है ही नहीं, तो वो आपके ऊपर ऐसा थोड़े नहीं बात सोच रहे होंगे। जी धन्यवाद। एकत्रित हुई है भाजपा जन के साथ, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं इस पे? भाजपा जन के साथ नहीं, राष्ट्रीय विचारधारा के साथ लोग जुड़े हैं और एक राष्ट्र का आह्वान था जो सभी वर्गों का सीओ को लेकर के उनके समर्थन में, और जिस तरह का ये सैलाब आप देख रहे हैं, कुछ चंद लोग पत्थरबाजी, जुमलेबाजी, हताश है, निराश है। इस राष्ट्र जिस तरफ बढ़ रहा है, कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग इसलिए हताश हैं, इसलिए जेएनयू जा रहे हैं। न इनके पास नीति है, न नियत है, न नेता है, न कार्यालय है, न इनके पास कार्यक्रम है, हताश और निराश हैं। इसलिए अपनी जमीन पाने के लिए ये लोग परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपने देखा अपनी आंखों से देखा कि बिना किसी को आमंत्रित किए, बिना किसी को बुलाए, जो जन सैलाब आपको दिखाई दिया, ये किसी को कहीं बुलाया नहीं गया था, लेकिन राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र के प्रति, ये एनआरसी के बारे में जानते क्या है? विपक्ष के लोग अभी ठीक से पढ़े तक नहीं हैं, उनको जानकारी भी नहीं है। सामने चुनाव दिख रहा है दिल्ली में, इसलिए वो लोग ये सब अनाप शराब बोल रहे हैं अपने वोट के चक्कर में, वोट पाने के लिए। इसको समर्थन देने के लिए निकली हुई 2019 का कानून, मैं अपने विपक्ष के कांग्रेस, सपा और बसपा के भी सभी नेताओं को यह जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत हो तो आप सीएए की सच्चाई को बताने का काम करिए। सीएए पर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को गुमराह करने का काम मत करो,
अगर गुमराह करके देश को बांटने का काम करोगे तो आप सबकी राजनीतिक दुकानें बंद होने वाली हैं। मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से सीए के बारे में अपने इस्लामिक तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हो रहे वहाँ हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, इन धर्मों के लोगों के ऊपर अत्याचार, दुराचार जिस प्रकार से वहाँ हो रहा, आप सब ने देखा होगा कि नानक साहिब पर अभी किस प्रकार पाकिस्तान के अंदर हमारे सिख भाइयों के धर्म स्थली पर हमला हुआ। आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सीए के बारे में अल्पसंख्यक भाइयों को भड़काकर हिंसा करवा रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान करने का काम कर रहे हैं, देश के नौजवानों को विद्यालय में जा जा कर उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रायोजित कांग्रेसी इस प्रकार का नारा लगा रहे हैं सीए के प्रोटेस्ट के मार्च में कि आज़ादी आज़ादी जिन्ना वाली आज़ादी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि कौन सी जिन्ना की आज़ादी लेकर भारत के फिर टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हो। अभी एक बार पाकिस्तान बटा आपका दिल नहीं भरा, नेहरू जी के रहते पाकिस्तान बटा और सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के कदमों से तो ऐसा ही लगता है कि देश का विभाजन करने के लिए कांग्रेस की मानसिकता दूसरी है। देश का हर नागरिक, हर अल्पसंख्यक और इस देश में जो आए हुए हमारे प्रताड़ित भाई और बहन हैं, उन सब ने यह देखा है कि कांग्रेस ने इस सीए के विरोध में किस निम्न स्तर पर जाके सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में, लखनऊ में जिस प्रकार से हिंसा कराई गई, आप सब ने देखा होगा कि स्पेशली कांग्रेस के लोगों ने कश्मीर से पत्थरबाजों को बुलाकर हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को, बहनों को मारने का जिस प्रकार से काम किया है, गोलियां चलाई गई। मैं पूछता हूं कि भारत के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है क्या? संविधान की धारा के अंतर्गत भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान की रचना की उसके अंदर किसी के ऊपर जानलेवा हमला करने की किसी को इजाजत है क्या? कांग्रेस जिस प्रकार का कृत्य कर रही है मित्रों, मैं समझता हूं कि पूरे देश के लोग इसको जान चुके हैं, कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है और आने वाले समय में यह भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता कांग्रेस को और सपा और बसपा को इसका जवाब देगी और नागरिक संशोधन कानून 2019 किसी भी कीमत पर इस पर कोई पुनर्विचार नहीं होने वाला है। यह देश का कानून बन चुका है, राज्यसभा और लोकसभा ने इसको बहुमत से पास किया है, 311 सदस्यों ने लोकसभा में, 115 सदस्यों ने राज्यसभा में इसका समर्थन किया है। मैं पूछना चाहता हूं बहन मायावती जी से कि जब आप राज्यसभा में इसका सपोर्ट कर रही थी तब आपको विरोध का ख्याल नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से कि आपके कुछ सांसद अनुपस्थित क्यों हो गए? आप दोहरी राजनीति कर रहे हो, दुगलपन की राजनीति कर रहे हो, इसलिए आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि भारत के वासियों को लड़ाने का काम बंद करें। हमारे अल्पसंख्यक भाई पूरी तरह से सुरक्षित है। सीएए कानून किसी की नागरिकता किसी को देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। भाइयों और बहनों, किसी की भी नागरिकता सीए के अंतर्गत नहीं जाने वाली है और यह भ्रामक प्रचार करके जिस प्रकार से कांग्रेस ने कुकृत्य किया हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी से कि जब पुलिसकर्मियों को गोली लगी, पुलिसकर्मियों को पत्थर लगा, 20-20 टांके लगे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपने वहां जाने का काम नहीं किया। आप जेएनयू जाते हो, आप अलीगढ़ जाते हो, आप मुस्लिम विद्यालय जाते हो, आप किस प्रकार से नौजवानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हो, आप किस प्रकार से अल्पसंख्यकों भाइयों और बहनों के मन में डर पैदा करने का काम कर रहे हो। आप अल्पसंख्यक भाइयों से भी, मैं भरतू की भदोही के जनपद से मैं आग्रह करना चाहता हूं, सीए कानून को पढ़िए, किसी के बरगलावे में मत आइए। राजनीतिक पार्टियां अपने आप को आगे करके अपनी रोटियां सेक रही हैं जी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।